200 हो गए। ये 5 स्ट्रॉबेरियां आपको बताती चलूं कि स्ट्रॉबेरी की ना पहले दूध तोड़ते हैं फिर इसमें डालते हैं, और स्ट्रॉबेरी से पता क्या फायदा होता है? जूस। हाँ जूस, चाय पापे। नहीं यार, क्या हो गया? वॉकिंग के बाद कुछ चाय पापे खाते? जूस पीते हैं, जूस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, और ना मेरा सलाम जो है ना आप सब लोगों के लिए, मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए। आप अक्सर जो है ना कमेंट्स करते हो ना कि जी आप इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सब आप लोगों का प्यार है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना, आप ये जो पीला ड्रेस देख रहे हैं ना मेरा, ये ना समझिएगा कि मैं मायों में बैठी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है। पता क्या, मैं करती हूँ वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग देखिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये ना बंदे को स्मार्ट भी रखती है। आप अक्सर कमेंट में जो ये कहते हो ना कि आप हो तो 35 की लेकिन 20 की लगती हो, तो मैं आपको बता दूँ मैं ना वॉकिंग करती हूँ, वॉकिंग। और मेरा ना आप सारी बहनों से यही मशवरा है कि आप ना वॉकिंग किया करें। और जो मोटी लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी शादियाँ नहीं होती वजन बढ़ने की वजह से, तो उनका भी मेरा मशवरा है बबली बतूनी का कि आप ना जॉगिंग किया करें। और वो औरतें जो शादी के बाद मोटी हो गई हैं ना, उन्हें भी चाहिए कि वो ना वॉकिंग करें। इस तरह ना मियाँ के दिल में बहुत प्यार पैदा होता है। और मैं आपको एक आध बात और बता दूँ, आज भी ना मैंने गुल्लू को पार्क में भेजा है वॉकिंग करने के लिए, हर थोड़ी देर में ना भाग भाग के आ जाता, मैं मार मार के फिर भगा देती कि हाय 500 चक्कर लगा के आ गुल्लू। बबली, बबली। अल्लाह जी, गुल्लू आ गया। क्या हो गया ना, तो इतना क्यों परेशान हो रहा है? हेलो गाइस, कैसे हैं? हेलो गाइस, हेलो गाइस। 500 चक्कर हो गए पूरे? हाँ, 500 चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ। लोगों ने मुझको रोक लिया। क्यों? और कह रहे हो क्या चक्कर है, इधर चक्कर क्यों? मैंने कहा मेरी बबली ने कहा मुझे स्मार्ट रहने के लिए ना जॉगिंग जॉगिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, देखिए जी ये गुल्लू मेरा कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना। हाँ जी, तो अब जो है ना मैं गुल्लू को बना के देती हूँ जूस। आपको पता है ना जूस? हाँ जूस, चाय पापे। नहीं यार, क्या हो गया? वॉकिंग के बाद कुछ चाय पापे खाते? जूस पीते हैं, जूस। तुम जूस की तैयारी करो, ठीक है? मैं ना जूस की तैयारी कर, अरे गुल्लू आप फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए जूस बनाती हूँ बड़ा, और मैं जो जूस बनाती हूँ ना बड़ा ही स्पेशल बनाती हूँ, मेरे जैसा जूस ना कोई भी नहीं बना सकता, बिल्कुल वखरे टाइप का होता है। हाँ तो गाइस, हम आपसे फिर मिलते हैं जूस बनाने के साथ। हाँ ओके। हेलो गाइस, ये देखिए ये बन गया खूबसूरत मज़ेदार जायके वाला गुल्लू के लिए जूस। तो ये हम अब इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनी है ना, बड़ी मेहनत से बनता है ये जूस। हाँ, और जब बंदा पीता है ना तो उसको लग पता जाता है। हेलो गाइस, जूस। ये देखिए एक मरतबा फिर गुल्लू के लिए जूस। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती चलूँ कि इसमें मैंने डाले हैं 2 सेब, और सेब से आपको पता है विटामिन सी डी और ब्लड भी बनता है। गुल्लू के लिए ये बहुत बेहतरीन जूस है, गुल्लू को विटामिन सी मिलेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। और इसमें फिर डाले हैं मैंने 2 केले। एक बात बता दूं मैं आपको कि ना इसमें जो केले डाले हैं ना मैंने, उससे गुल्लू के होंगे पट्टे मजबूत। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 5 स्ट्रॉबेरियां। आपको बताती चलूं कि स्ट्रॉबेरी की ना पहले दूध तोड़ते हैं फिर इसमें डालते हैं, और स्ट्रॉबेरी से पता क्या फायदा होता है? एक गुल्लू को क्या फायदा होगा, गुल्लू की स्किन जो है ना गुलाबी नरम और चमकदार हो जाएगी। केले भी डाले इसमें? हाँ केले भी डाले ना, मैंने बताया ना पब्लिक को कि केले जो है ना बहुत अच्छे होते हैं इंसान के लिए। तो ये देखे जी बन गया बेहतरीन किस्म का जूस। चाय पापे आज पापे भी नहीं क्या करना, बैठ के करनी है, पुशअप लगाना और वजन उठाना। चल 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 चल, मुझे पता है कि पेट मुझे आज अंदर कर रहा है, अंदर ही करना है, पहले भी बताया मैंने तुझे। चल हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं कि जूस मैंने पिया और नाना ही गुल्लू में आ गई। हाँ गुल्लू, 200 हो गए। ये हो गए बड़ा
शाइन ऑफ कर दिया ना तू, जो इंजरी हो जाएगी। अच्छा हेलो गाइस, पहले जाते दीजिए, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। पता नहीं गुल्लू को क्या हो गया ना। बाय हाय बाय हाय बाय हाय गुल्लू, मुझे तो बात नहीं, कुछ हो गया, क्या हो गया? इंजरी इंजरी हो गई। इंजरी हो गई किधर? इंजरी हो गई। हाय लक्ष्मी को डॉक्टर के दिखा।